बोले चांडक की है, कंफर्म चांडक है। ये बताइए, मेरा चौक में मैं आ रहा हूँ, सर्वे कर रहा हूँ, क्या माहौल लग रहा है, चुनावी माहौल क्या है गंगानगर का? गंगानगर का जयदेव भयाणी की जीत मानते हैं। मैं तो चांडक को डालूंगी, चांडक को डालूंगी। शराब सस्ती करेंगे नहीं, बोर महंगी कर देंगे, शराब बटेगी। शराब सस्ती करेंगे, आप उसके साथ हैं? जैसे चल रहा है, हमारे साथ जो सवारियां बैठती हैं ऑटो में, जो वो जयदीप भयाणी का नाम लेते हैं। आगे जयदीप भयाणी जी हैं जी। फिलहाल में आगे कौन चल रहा है अभी इस वक्त? चांडक जी। हमारे 1500, 1600, 2000 वोट है, सारे चांडक के पास ही जाएंगे। मतलब आपका आपका वोट किसको है? मेरा यही कांग्रेस को है। कांग्रेस पार्टी भाजपा जीतेगी, भाजपा कंफर्म है, जयदीप भयाणी निकाल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज 13 का न्यूज चैनल। अभी हम मेरा चौक से जो सब्जी मंडी बनती है, जो सब्जी मंडी लगती है, यहाँ पे हम खड़े हैं। लोगों की विचारधारा जानते जानते हम सब्जी मंडी आए, क्योंकि सब्जी मंडी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आम जन के लोग आते हैं, और अगर आम जन नहीं मिला तो हमें सब्जी बेचने वाले तो मिल ही जाएंगे, और उनके भी वोट हैं तो वो बता देंगे कि किसको वोट डालना चाह रहे हैं, क्या माहौल चल रहा है, क्योंकि इनके पास आके सभी लोग बातचीत करते हैं, सभी लोग बताते हैं कि किसका माहौल चल रहा है। अभी मेरा चौक से जो SSB रोड जाने वाली सब्जी मंडी है, यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैमरामैन को कहूँगा पीछे घुमा के दिखाएं कि पूरा सब्जी मंडी यहाँ पे लगी हुई है, और लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि क्या सोच रहे हैं, क्या विधानसभा चुनाव का क्या माहौल चल रहा है। तो यहाँ पे अभी एक व्यापारी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सर क्या नाम, क्या सर आपका? हम क्या बोले यार, बोलने नहीं है। बताओ बताओ नाम, बताओ। नाम तो रवि है। रवि, रवि जी कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते हैं, मेरा चौक पे रहते हैं। मेरा चौक पे रहते हैं। कब से सब्जी का काम कर रहे हैं? इसको तो काफी टाइम हो गया। वो कैसा चल रहा है काम? ठीक चल रहा है, चल जाते हैं, दाल रोटी बनी जाती है। ये वैसे आपको कितने वर्ष हो गए इस काम को करते हैं? इसको करीबन हो गए 7-8 साल, 10-11 साल तो हो गए। तो लोग आके यहाँ पे सब्जी मंडी यहीं लगा रहे हैं आप? नहीं, यहीं से लगाते शुरू से। अच्छा, पहले कहीं और लगाते थे? नहीं, पहले नौकरी करते, मजदूरी करते थे, उसमें गुजारा होता नहीं था। और सब्जी, अब सब्जी बेचने में सही? सब्जी इसमें गुजारा बन जाते हैं, 200-300, 400 जो बनते हैं दिन के आप बना लेते हैं। 200-300-400 में गुजारा हो जाता है? हो जाता है। बाकी कांग्रेस सरकार दे रही है राशन, दे रही है कांग्रेस सरकार राशन किट मिल रही है। मिली आपको? हाँ मिली है। ये बताइए, चलो आपने राशन किट आपको मिली है, क्या माहौल चल रहा है अभी? अभी हम विधानसभा की बात करें, आपके पास तो हर प्रत्याशी आते होंगे, क्या माहौल चल रहा है, किसकी सरकार आ रही है अभी? देखो अभी तो कोई पता नहीं है कौन सी चलेगा माहौल। पता है कौन कौन खड़ा है? कौन जी? चांडक जी खड़े हैं, जयदीप भयाणी खड़े हैं यहाँ, और BJP में जयदीप भयाणी है। वो तीसरा कौन खड़ा है? ये सर निर्दलीय आम आदमी पार्टी के हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम नहीं बताओ? नहीं, वो अंकुर मिगलानी। ये बताइए आप किसको वोट डालते हैं? पिछली बार किसको वोट डाला था? पिछली बार तो देखो जो जीते उसको डालते हैं, जो जीते पता आपके वोट से ही तो जीतते हैं। देखो नहीं, पिछली बार किसको याद होगा? पिछली बार वोट डाला तो BJP को डाला था। BJP इस बार क्या लग रहा है, BJP निकाल जाएगी? देखो लगता है सर BJP निकाल सकती है, निकाल सकती है। आपको कांग्रेस ने राशन दिया, फिर भी आप BJP की तारीफ कर रहे हैं? निर्दित कर वोट तो मैं पिछले साल BJP को दिया था। इस बार क्या मन बन रहा है? ये तो देख लो क्या मन बनता है, देखेंगे वो टाइम पे। माहौल किसका चल रहा है पहले, आगे कौन चल रहा है आपके हिसाब से, माहौल के हिसाब से? माहौल को तो देखो क्या बता सकते हैं इसके अंदर, तो आप तो बता सकते हो, पूरा बाजार में आप घूम रहे हैं, क्या बता सकते हैं उसका, तो पता नहीं। पूरे साइलेंट वोटर हैं कि बताने बताते नहीं। सर क्या नाम है सर आपका? गोपाल चंद। गोपाल चंद, जगपाल चंद। जगपाल क्या क्या काम करते हैं जगपाल जी? कपड़े बेच रहे जी। मेरा चौक पे ये दुकान है आपकी? ये बताइए, मेरा चौक पे मैं आ रहा हूँ, सर्वे कर रहा हूँ, क्या माहौल लग रहा है, चुनावी माहौल क्या है गंगानगर का? गंगानगर का जयदेव भयाणी की जीत मानते हैं। क्यों जयदीप भयाणी को आप, ऐसा क्यों लग रहा है जयदीप भयाणी की सरकार? सेंटर में सरकार अपने मोदी जी की है, BJP आएगी जी, और कोई नहीं आ सकता। मेरा चौक पे इतनी रेडियां लग रही है आपका, तो ये गरीबों का तो कह रहे हैं कि राशन फ्री में दे दिया गहलोत साहब ने, भावे दे दिया लेकिन फिर भी गुणगान उसी के गाने जी। अच्छा ये बात है। अच्छा तो आप मेरा चौक पे ही रहते हैं? हाँ मेरा चौक पर। अच्छा तो आपका कहना है कि जयदीप भयाणी को आप वोट देंगे क्योंकि वो BJP के? BJP के सर जी। टक्कर किस में चल रही है जयदीप भयाणी और? जयदेव और अजय चांडक की जी। अजय चांडक, वो तो करुणा चांडक खड़ी है, मतलब चांडक परिवार और उसमें दोनों की चल रही है। तो आपका भयाणी जी को वोट? भयाणी जी को वोट जाएगा 100% जी, 100% जाएगा। बाकी लोगों से बात करते हैं। सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनोहर है। मनोहर जी कहाँ रहते हैं आप? अपने दो ही छोटी SSB रोड। अच्छा SSB रोड, क्या काम करते हैं?
ये अपने छोटा सी दुकान है, चाय की दुकान है। चाय की दुकान, ये बताइए चाय की दुकान पे तो सारे आके चर्चा करते हैं, राजनीति चर्चा भी होती है, ये माहौल तो आपको सब पता होगा। हाँ, क्या लग रहा है, क्या क्या माहौल चल रहा है चुनावी माहौल? माहौल तो वो चांडक और बयानी की टक्कर है। चांडक और बयानी की टक्कर है, तीसरा अंकपुर मिगलानी है, त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। आगे कौन चल रहा है? आगे तो फिलहाल अभी कुछ कह नहीं सकते, वैसे चांडक भी रेस में है, रेस में है, बयानी जी भी रेस में है। इन दोनों में से आगे कौन चल रहा है? रेस तो अब लगा ली है, अब तो कोई ना कोई तो आगे चल रहा होगा, ऐसा तो है नहीं कि दोनों एक साथ ही चलते हैं। देखो बयानी जी तो अभी उतरे हैं मैदान में, और चांडक जी पहले गई 5 साल से लगातार आ रहे हैं। चांडक जी आपको लग रहा है कि आगे चल रहे हैं? ये बताइए पिछली बार किसको वोट डाला था? पिछली बार तो अपने वो राजकुमार गौड़ को डाला था, गौड़ साहब को डाला। कार्यकाल कैसा लगा गौड़ साहब का? कार्यकाल तो क्या कुछ नहीं हुआ, नहीं बढ़िया बढ़िया नहीं लगा, नहीं हुआ। ये बताइए चांडक जी से उम्मीदें हैं आपको कि हाँ सही कर देंगे काम? अभी कोई उम्मीद नहीं है, 5 साल तक उनका भी देख लिया, कोई उम्मीद नहीं है वैसे। पर वोट आप चांडक जी को डालेंगे? नहीं, अपने बयानी जी को डालेंगे। माहौल चांडक जी का है, वोट आप बयानी जी को डालेंगे? बयानी जी एक बार चांस तो दें उनको भी। क्यों बयानी जी क्यों पसंद है? बीजेपी करके क्या व्यक्तिगत बयानी जी? नहीं बीजेपी के कारण है, बीजेपी एक चांस दें उनको भी। तो अभी तो कह रहे हैं गरीब तबके के लोगों को राशन दे दिया कांग्रेस का सरकार ने, इंदिरा रसोई योजना, यहाँ पे इंदिरा रसोई योजना भी लगी हुई है। बिल देखो, कहते 200 यूनिट फ्री दिया है सरकार ने, दिया हमारी दुकान का 5000 बिल आया है। क्या वो तो कमर्शियल दुकान है ना आपके, रेजिडेंशियल एरिया में कमाई भी क्या है, वहाँ पे 2 पंखे चलते हैं, फिर भी 5000 बिल आया, 400-500 रुपए सेल होती है, क्या कमाई है वहाँ पे। तो ये तो आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी आ जाएगी तो ये बिल कम हो जाएंगे? देखो उम्मीद है, उम्मीद है। पिछली बार आपने गौड़ साहब को दिया था, इस बार आपने बीजेपी का, आप सोच रहे हैं बीजेपी को दिया, तो इनसे बात की, इन्होंने भी बीजेपी का नाम लिया, इन्होंने भी बीजेपी का नाम लिया, बाकी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं क्या सोचते हैं लोग। यहाँ पे सब्जी मंडी में लगी हुई है दुकान। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आप? मनोज। मनोज जी, मनोज जी कहाँ रहते हैं आप? तीनी में। तीनी में। मनोज जी यहाँ पे आए हैं मेरा चौक पे चुनावी समीकरण देखने आ रहे हैं कि क्या माहौल चल रहा है, क्या किसका माहौल चल रहा है? माहौल चांडक की है, कन्फर्म चांडक है, तीनी का सारा चांडक के हाथ लगा हुआ, कोशिश ऐसा ही है, बाकी कह नहीं सकता। दूसरे नंबर पे कौन चल रहा है, टक्कर किसके साथ? टक्कर बयानी है। चांडक का आपको चांडक क्यों पसंद आया? चांडक इसलिए पसंद है कि उसने कई काम कराए हैं तीनी, जैसे 7 नंबर गली में स्कूल के उद्घाटन करा, जहाँ 5 क्लास के स्कूल का उद्घाटन चांडक जी ने करवाया, तो वो 12वीं तक कर दिया, और भी कई काम कराए उसने, मतलब तीन ही सारा चांडक परिवार के साथ है इनका, चांडक परिवार का कहना है। बाकी लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कैमरा को देख के हिल रहे हैं लोग। सर क्या नाम है सर आपका? राजकुमार। राजकुमार जी क्या काम करते हैं? राजकुमार, ये बताइए गंगानगर विधानसभा की जी क्या लग रहा है चुनावी माहौल? अब तो 10 दिन रह गए हैं, 10 दिन बाद चुनाव आ जाएंगे, क्या लग रहा है कौन आगे चल रहा है? सब बराबर चल रहे हैं। कौन कौन? यानी जी चांडक जी, अंकुर जी भी बढ़िया चल रहे हैं, अंकुर जी भी रेस में आ चुके हैं। ये बताइए कि लग रहा था कि अंकुर जी टिकट ले जाएंगे, 2 दिग्गज नेता टिकट मांग रहे थे, लग नहीं रहा था, कह रहे हैं कि अरोड़ा समाज एक होके वोट डाल के जिता देगा अंकुर? सकता है जी, क्या बड़ी बात है, डाल सकता है, क्योंकि रावत श्याम बाबूजी के टाइम पे अरोड़ा समाज का पूरा होता था, बाबूजी ने रखा है। बड़ी बात नहीं, अच्छी बात है, अगर कोई समाज एक होके आगे चलता है और दूसरे समाजों को साथ लेके चलता है, क्या बुरी बात, अच्छी बात है, एक समाज एकता दिखती है तो एक अच्छा ही संदेश जाता है। ये बताइए अभी अभी आप फिलहाल अपन जब वीडियो बना रहे हैं, आपकी नजर में किसका माहौल ज्यादा देखने को मिल रहा है, कौन ज्यादा लोगों की बातचीत में आ रहा है, कौन चर्चा ज्यादा है? अपने को तो इतना ध्यान नहीं है, लेकिन जो भी लग रहा है अभी तक माहौल ठीक है, बढ़िया है जी, बराबर का ये, ऐसा कुछ नहीं है कि एक तरफ है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, थोड़ी हवा लगती है किसी को, लेकिन अंदर खाते कुछ भी पता नहीं है सर क्या हो रहा है अंदर खाते। एक तो गंगानगर की खासियत है साइलेंट वोटर बहुत है, चुपचाप वोट डालते हैं, बताते नहीं। बिल्कुल, पिछली बार किसको वोट डाला? सर ये नहीं बता सकता, ये नहीं बता सकता, ये मेरा अधिकार है, आपका भी साइलेंट वोट है। बिल्कुल सर, ये इसे आप वोट डालेंगे, अधिकार है ये बताऊंगा। बहुत बढ़िया बात है, आपको ये जानकारी है कि आप साइलेंट वोट ही होते हैं, जिसने बिहार में ओपिनियन पोल में किसी का नहीं आया पर साइलेंट वोटर ने सरकार पलटा दी,
तो इनका कहना है आदमी चुनाव कर रहा है जी, वो अपने कर रहे हैं, तीनों अच्छे आदमी, तीनों बढ़िया, अपने को उस सब में अच्छा एक ढूंढना है, जो बढ़िया होगा उसको डाल देंगे, उनको डाल देंगे। मैम आपका वोट है, क्या नाम है? ज्योति। ज्योति जी आपकी वाइफ है, आप भी नहीं बताएंगे वोट किसको डालना है? मैं तो चांडक को डालूंगी। चांडक को डालेंगे, पूरा आपका मन है चांडक को? क्यों, चांडक जी क्यों पसंद है? बस ऐसे उन्होंने बहुत कुछ किया है, जैसे क्या करवाया है, जैसे स्कूलों में कई जैसे फैसिलिटीज बनाई हैं, कई बस बताइए। करुणा चांडक महिला है, वो महिला प्रत्याशी के तौर पे खड़ी हो रही है, क्या महिलाओं को अट्रैक्ट करेगी कि हमारे में से एक लीडर खड़ी हो रही है? करेगी, अट्रैक्ट क्यों नहीं करेगी, मतलब महिला वोट ऐसे आएंगे? आपको लगता है चांडक जी आने, दूसरे नंबर पे कौन चल रहा है? जयदीप भी आने, दोनों में टक्कर है, वो बता नहीं रहे थे, आपने बता दिया। नहीं, उनकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है। वो किसी और को वो डाल सकते हैं, जिस मर्जी को डाले, अधिकार है उनका, अपनी अपनी सोच अलग अलग हो सकते हैं। हाँ जी, तो आपका चांडक परिवार को वोट है, तो बाकी लोगों से बात कर देंगे। सरदार जी क्या हाल चाल? ठीक है जी। क्या नाम है सर? इंद्रजीत। इंद्रजीत कहाँ रहते हैं आप? यही लोकल। नहीं, एरिया कौन सा? बीएसएफ रोड के सामने। ये बताइए क्या माहौल चल रहा है चुनावी माहौल का? हम बातचीत कर रहे हैं लोगों से, पूरा गंगानगरी घूम रहे हैं, क्या माहौल चल रहा है, किसकी सरकार आ रही है, कौन विधायक बन रहा है? विधायक जैसे कांग्रेस की लगता है। कांग्रेस की? नहीं, ये बताइए कांग्रेस की सरकार आपने राज्य में बता दी है, यहाँ पे क्या लग रहा है धरातल में? अपना गंगानगर विधानसभा की बात तो बराबर की टक्कर, किस किस की? एक तो कांग्रेस है, एक चांडक जी है, और बराबर दोनों, कांग्रेस और चांडक जी के बराबर। हाँ जी। इस वक्त कौन आगे चल रहा है, आपको क्या लग रहा है, इस वक्त कौन माहौल बना चुका है? बराबर दोनों का एक ही है। लग रहा था मिघलानी जी टिकट ले जाएंगे? नहीं, लगता नहीं था, पर ले गए। हाँ जी, ले गए। मतलब आपका आपका वोट किसको है? मेरा यही कांग्रेस को है। कांग्रेस पार्टी को, चाहे कोई आए, आपने कांग्रेस को वोट? हाँ जी, कांग्रेस को। पिछली बार भी कांग्रेस को? हाँ जी, कांग्रेस पार्टी। क्यों, कांग्रेस के साथ आप कब से जुड़े हुए हैं? ये शुरू से ही है जी। पारिवारिक वोट आपका? हाँ जी, पारिवारिक। तो इनका कांग्रेस का वोट है। हाँ जी सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा संजय कुमार सोनी। संजय कुमार सोनी, संजय जी कहाँ रहते हैं आप? मैं यही रहता हूँ, बहुत सालों से बचपन ही गुजारा है। मेरा चौक पे रहते हैं? हाँ, मेरा चौक पे रहता हूँ, बिल्कुल। एक मिनट, पीढ़ी तो पीने दो, बहुत महंगी हो गई है, बहुत महंगी हो गई है। ये बताइए कि क्या 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 काम करते हैं? एफ आर एस में हूँ मैं सर। एफ आर एस में। अच्छा, तो ये बताइए चुनावी माहौल की बात कर रहे हैं हम। अच्छा। क्या क्या माहौल चल रहा है? क्या माहौल क्या है? ऑनलाइन, अरे ये पैसे अंडर करेंगे सारे, कोई किसी का नहीं है। शराब सस्ती करेंगे, नहीं बोर महंगी कर देंगे, शराब बटेगी। शराब सस्ती करेंगे, आप उसके साथ हैं? ना ना, शराब सस्ती करेंगे तो वो तो बहुत बढ़िया होगी। आपके दिल में कौन है, आप किसको वोट डालना चाहेंगे? मैं क्या, मैं नोटा को वोट डालना चाहूंगा। नोटा को क्यों? नोटा को क्यों? कोई पसंद नहीं है, क्योंकि हाँ, क्योंकि सब अब ये करेंगे, हाँ भाई सोनी भाई कहाँ है ये रहा, कहाँ है तू ये रहा, ऑनलाइन कहाँ है पास में। चलो भाई साहब का नोटा का वोट है, बढ़िया वोट, आप तो बढ़िया मस्त माहौल में रह रहे हैं, ठीक है। बाकी लोगों से बात करते हैं सर, सब्जी वालों से बात करने आए हैं सर, आपकी परेशानियां जानने आए हैं, क्या नाम है सर आपका? हाँ जी, आपसे बात करते हैं, सरकारी आदमी, आपको आपसे बात करेंगे ना, बताओ। पता ही नहीं बोलने का भैया, बातचीत करते हैं ना। नाम 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 बताइए, बस जो मैं पूछ रहा हूँ बताइए, नाम बताइए, क्या नाम? सुरेंद्र राव। सुरेंद्र जी कहाँ रहते हैं आप? एसएसपी रोड 3 छोटी। तो यहाँ पे जो मेरा चौक पे रेडी लगा रहे हैं सारे आसपास के ही हैं? हाँ जी। कब से लगा रहे हैं रेडियो? मेरे को 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। कैसे चल रही है कमाई? वैसे ढीली मिली चल रही है। कब से ढीली चल रही है कमाई? ये 2 महीने हो गए। 2 महीने। ये बताइए कितना दिन में कितना गुजारा हो जाता है, कितना कमा लेते हैं? ये 300-400 रुपए कमा लेते हैं। 300-400 रुपए में घर चल जाता है? कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं बस। ये बताइए अब तो चुनाव आ गए हैं, 5 साल ही होते हैं, ये 5 साल बाद एक बार ही आएंगे आपके पास नेता वोट मांगने, क्या लग रहा है, क्या माहौल चल रहा है शहर में, क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो घर रिश्ते का टाइम नहीं लग रहा, माहौल का क्या पता लगाएंगे। आप तो बाजार में बैठे हैं, यहाँ पे तो लोग सामने से टपते होंगे, रैलियां निकाल के बातें कर रहे होंगे आपके सामने, सब दिख रहा है। इन चीजों पे ध्यान ही नहीं रखते। पिछली बार किसको वोट डाला? बीजेपी को डाला। इस बार मन है बीजेपी को? वो तो सलाह बनाएंगे कैसे, बता नहीं सकते। बता नहीं सकते, देख लीजिए किसी, लोग ऐसे हैं बताते नहीं है वोट किसको डालना है, पर पिछली बार का आपने बता दिया बीजेपी को डाला था, इस बार तो बयानी जी है टक्कर में, है बयानी जी? देखे जाएगी, ले जाएंगे बयानी जी, निकल जाएगा, निकल जाएगा।
आपका इनका कहना है निकल जाएगा, ऐसे पूछना पड़ता है, बताएंगे नहीं सर, आपसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मैं भी कर्मचारी हूँ। कर्मचारी हैं, कोई बात नहीं, कर्मचारियों का थोड़ा सा परहेज रहता है, लोग बातचीत नहीं करते, बात इनसे भी बात करते सर, बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र जैन। क्या नाम है सर? जितेंद्र जैन। जितेंद्र जी, जितेंद्र जी गंगानगर रहते हैं, क्या काम करते हैं? केमिस्ट। केमिस्ट है सर। विधानसभा चुनाव का माहौल देख रहे हैं, आ रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्या समीकरण बैठ रहा है, क्या लग रहा है, किसका माहौल चल रहा है इस बार? भाजपा जीतेगी। भाजपा कंफर्म है, जयदीप भयानी निकाल जाएंगे। पार्टी के नाम पे वोट है भाजपा। टक्कर किसके साथ है? जी टक्कर किसके साथ है? बस टक्कर क्या, जब जीत ही जाएगा तो टक्कर एक तरफा जीत रही है भाजपा। बस टक्कर अपने आप ही नीचे हो गए ना सारे। भाजपा आप कह रहे हैं भाजपा जीत जाएगी, तो इनका कहना है भाजपा की सरकार आएगी, आप जिताएंगे तो जीतेंगे। तो आपका क्या नाम है सर? गोपाल पेंटर। गोपाल पेंटर, आप पेंटर हैं क्या? क्या अच्छा, ये बताइए कि कहाँ रहते हैं आप? यहाँ अशोक नगर में। एसएसबी रोड अशोक नगर बी। अशोक नगर बी में रहते हैं। चुनावी माहौल की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है विधानसभा गंगानगर में, क्या माहौल चल रहा है? यार आदमी दो खड़े हैं ना, फिर तो पता लगता है कितने जने खड़े हैं, साफ पता ही नहीं लगता ना। टक्कर किस में है? टक्कर देखो अब किस में, बीजेपी जाएगी जाएगी तो बीजेपी। बयानी जी निकल जाएंगे आपका? निकल जाएंगे, निकल जाएंगे। आपका वोट बयानी जी? टंडक और बयानी की बात। आपका वोट किसको? अब ऐसे नहीं पता लगता हम किसी को दें वोट, पर आपने ये बता दिया कि बयानी जी बीजेपी निकल जाएंगे। दोनों की है, टंडक जी और बयानी जी। आगे कौन चल रहे? अभी वोट ही नहीं आया, जब कहाँ चलेगा? अभी माहौल दिख रहा होगा आपको कि किसका माहौल ज्यादा है, ऐसे नहीं पता लगेगा। अभी बीजेपी का नाम ले रहे थे तो आप कह रहे टंडक और दोनों की पुल टक्कर दोनों की है, तो बाकी लोगों से बात करते हैं। सर क्या नाम है सर आपका? बिक्कू चौधरी। मक्कू? बिक्कू। बिक्कू बिक्कू जी आपके पास आ जाते हैं, थोड़ा दूर हैं आप, ये बताइए मिक्कू जी अभी गंगानगर विधानसभा चुनाव का सर्वे करने आ रहे हैं, क्या माहौल है, क्या क्या लग रहा है इस बार, किसकी सरकार है इस बार? भाजपा का ही आएगा। भाजपा है? क्यों भाजपा क्यों पसंद है? भाजपा इसलिए सब चीज देता है यार, राशन वाशन सब चीज दे रहे हैं। राशन तो गहलोत साहब ने दिया है, गहलोत साहब का राशन आया आपके पास? हाँ आते हमारे। फिर भी भाजपा? फिर भी भाजपा ही आएंगे। बयानी जी आए यहाँ पे? नहीं अभी तो नहीं आए। पार्टी के नाम पे वोट है? कहाँ रहते हैं? माहौल बन रहा है उसी की तरफ, 9 नंबर गली तीनी। हाँ तीनी तो तीनी में भाजपा का माहौल अच्छा है, आप ये सब जगह है। चांडक का भी बढ़िया है, चांडक का इन दोनों में टक्कर। तीनी में चांडक या भाजपा में से कौन आगे चल रहा है? ये अभी दोनों ही चल रहे हैं, टक्कर में चल रहे हैं। भाजपा के कैसे कितने पैट वोटर्स कितने हैं? पता नहीं ये मैंने पता नहीं, पर आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे में 10-12 जने हैं। सारे भाजपा के हैं? सारे दोनों जिसके मन में आएंगे वही करेंगे। सारे भाजपा के नहीं है, अलग अलग विचारधारा है। तो आप कह रहे हैं कि आपका वोट भाजपा को, तो इनका ब्याज भाजपा का नाम ले रहे हैं ये। बाकी लोगों से बात करते हैं, जानते हैं क्या सोचते हैं लोग, और पूरा यहाँ पे समीकरण देखने को मिल रहा है। नमस्कार भैया, क्या नाम है सर आपका? आपसे बात कर लेते हैं सर, क्या नाम है आपका? राजकुमार जी। राजकुमार जी, राजकुमार जी क्या काम करते हैं? ऑटो चलाते हैं सर। ऑटो चलाते हैं, कहाँ रहते हैं? हम सद्भावना नगर में रहते हैं। सद्भावना नगर रहते हैं। ये बताइए चुनावी माहौल जान रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, जैसे इसमें क्या होता है जब आप बातचीत करते हैं ना तो लोग ये वीडियो देखकर अपनी विचारधारा बनाते हैं कि क्या लगता है, तो इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि लोगों को बता दें कि आम लोग क्या सोच रहे हैं। लोगों क्या क्या है, सब अपने अपने दिमाग है और अपने अपने दिमाग से चलते हैं। हर आदमी जो जिसके साथ जुड़ा वो उसी का नाम लेता है कि जी उसका शोर ज्यादा है, उसकी ज्यादा है, बाकी तकदीर जिताएगी जिसको जिताएगी। तकदीर तो कभी कभी फेल हो जाती है, वोट जिता देते हैं। ऐसी बात नहीं है, देखो जो भी अगर वोट तो एक वोट से हार जीत हो जाती है। सही बात है, लोग एक वोट से भी आ रहे हैं। एक वोट से आ रहे हो, ये बड़ा बात है। सद्भावना नगर में जैसे अभी आपको ये तो समझ आ रहा होगा, सद्भावना नगर में पिछली बार जो इलेक्शन हुए थे विधानसभा के, उसमें क्या हुआ था, इधर बराड़ था उधर जाखड़ था, और एक वोट से हार जीत हुई है दोनों की। अच्छा, दोनों की वोटें बराबर थी। पार्षद के चुनाव की बात कर? हाँ जी, नहीं सरपंची की। अच्छा ठीक, एक वोट से जीता वो। देख लीजिए ये एक वोट की वैल्यू है कि जो प्रत्याशी के समर्थन वाले राजा बन जाते हैं। हाँ, एक वोट से हार गया। ये बताइए विधानसभा गंगानगर की? विधानसभा गंगानगर क्या लग रहा है इस बार आपके हिसाब से, आपके मन में क्या है कि किसके आधार पे वोट डालना चाहिए, क्या माहौल चल? जिसको भी देखते हैं उसी की रैली में तो वही दिखता है कि वो भी जीतेगा, अब किसका नाम लें? पर आपके मन में तो होगा ना कि यार ये बंदा अच्छा है, अच्छा काम करवाए हैं, या फिर ये आना चाहिए। देखो जो अच्छा काम करेगा समाज के लिए अच्छा चलेगा, आधी रात को किसी के साथ खड़ा होगा
वो तो जीता ही जीता है, उसकी तो कहने की जरूरत ही नहीं। ऐसा कोई है जो आधी रात को भी समाज के लिए खड़ा? हिंदुस्तान में खत्म हो चुके हैं ऐसे बंदे, ऐसे बंदे हिंदुस्तान में खत्म हो चुके। नाम बताइए सर अपना। नाम नहीं बताता, पर हिंदुस्तान में खत्म हो चुके हैं। ये ईमानदारी अभी भी बताइए ना सर। लीडर नहीं रहे आज के टाइम में, आजकल सौदागर रह गए। सौदागर तो है लेकिन ईमानदारी अभी भी जिंदा है। ये कह रहे हैं ईमानदारी जिंदा है, बंदरों के बंडल लोग खोल के बैठे हैं। तो ये कह रहे हैं लीडर नहीं रहे हैं आज के टाइम पे, आप कह रहे हैं। ये बताइए कि अभी आपकी बात नहीं कर रहा, आप सब्जी मंडी में खड़े हैं और आप ऑटो चलाते हैं, ऑटो वाले तो पूरा जानकारी रखते हैं। क्या लग रहा है मतलब कि समीकरण बात करें, आपके वोट की बात नहीं कर रहा, जो माहौल आपको दिख रहा है उस माहौल के हिसाब से जैसे चल रहा है। हमारे साथ जो सवारियां बैठती हैं ऑटो में, जो वो जयदीप ब्यानी का नाम लेते हैं, ब्यानी का नाम, हाँ, कहते हैं उसकी छवि अच्छी है, आधी रात को हर दुख सुख में खड़ा होता है वो निकलेगा। 30,000 वोट ले गया, अब तो भाजपा की टिकट भी आ चुकी है। हम देखो वो उसकी किस्मत है, मैंने आपको बता दिया, अभी जो जीतेगा अपनी तकदीर से जीतेगा, उसको किस्मत जिताएगी। आपका मन किसको है? भी हमारा तो एरिया गांव में पड़ता है ना, अभी हमारे वाली तो साइड आया नहीं कुछ। आप विचार कर रहे हैं? हाँ नहीं, हम शहर में नहीं है ना, हम गाँव में है। गाँव में कहते हैं कि चांडक जी की अच्छी पकड़ है। पकड़े तो फिर वो समझो निकलेगा निकलेगा फिर तो निकलेगा, हम तो वही आपको कह रहे हैं। आप बताइए ना, आप गांव में रहते हैं, पकड़ है चांडक जी? बिल्कुल है, जो भी जाता है बड़े प्यार से सभी से बातें होती हैं, सभी उनका स्वागत करते हैं, सभी उतना ही रश बराबर होता है। अब वो तकदीर है उसकी, हर बंदे खेल है। बिल्कुल तकदीर का कहना है कि अगर ऑटो में जब लोग बैठते हैं तो ब्यानी जी का नाम करते हैं। हाँ कहते उसकी छवि अच्छी है, जो भी है मतलब एक आपने बताया, एक माहौल बताया कि ब्यानी जी के पक्ष में माहौल है, तो अभी लोगों से बात करते हैं, जानते हैं क्या सोचते हैं लोग। नमस्कार भैया, क्या हाल है? बढ़िया जी। क्या नाम बताइए सर आपका? मेरा गजेंद्र सोनी। गजेंद्र जी, अभी ना चुनावों का कवरेज कर रहे हैं, समीकरण जान रहे हैं, क्या माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है इस बार गंगानगर विधानसभा में, क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो बहुत बढ़िया चल रहा है सर। कौन आगे चल रहा है इस बार? आगे जयदीप ब्यानी जी हैं जी, बीजेपी के। हाँ जी, बीजेपी के। कहाँ रहते हैं आप? मैं हाउसिंग बोर्ड में रहता हूँ जी। हाउसिंग बोर्ड किसके साथ लगा हुआ? हाँ जी, हाउसिंग बोर्ड किसके साथ लगा हुआ? हाउसिंग बोर्ड जवाहर नगर के साथ। नहीं, प्रत्याशी किसके साथ, कौन से इलेक्शन में किसके साथ लगा हुआ है? लोग जयदीप ब्यानी जी हैं। जयदीप ब्यानी, आपका वोट जयदीप को? हाँ जी, हाँ जी। क्यों जयदीप? क्यों जयदीप ब्यानी? साफ छवि के हैं और उनके शिक्षण संस्थान चलते हैं और उनका रिकॉर्ड एकदम साफ है, इसलिए जयदीप ब्यानी जी हैं जी। बाकी तो सारे अब आपको पता ही है। चांडक जी क्यों नहीं? चांडक जी की देखो, चांडक जी को मैं किसी राजनीति से नहीं हूँ, लेकिन चांडक जी भी बुरे नहीं है। देखो आपका मन जयदीप ब्यानी का करता है कि जी आप है, बच्चे देखो उनके जो कारोबार है आगे, देखो शराब के और के, ये आपको लगता है कि ये एक दिक्कत दायक है कि जो राजनीति में आ रहे वो क्या नाम है संस्था, वो क्या बोलते हैं उसको, शिक्षण के, शिक्षा की संस्था। हाँ, शिक्षा की संस्था चलाते हैं और बाकी इनका तो आपको पता ही है। वो हमेशा आज तक उन्होंने हर बच्चों की, आज तक क्या मतलब पुराने भी उनके जो बुजुर्ग थे ना, सभी पढ़े लिखे हैं, पढ़े हैं उनपे बच्चे, पढ़े हैं अपने गंगानगर के भी पढ़े हैं, तो शुरू से चलती आ रही है संस्था और उनकी एक गुडविल बनी हुई। फीस भी माफ की है उन्होंने, काफी करोड़ों लाखों रुपए फीस माफ की है बच्चों की, बड़ा अच्छा मतलब उनका वो चलता है। तो इसलिए आपने ब्यानी जी का नाम लिया, ब्यानी जी। हाँ देखो उनकी साफ छवि की है तो ब्यानी जी, तो ब्यानी आपने ब्यानी जी का नाम लिया, ब्यानी जी बनने चाहिए। तो बाकी लोगों से बात करते हैं, इनका नाम, इनका कहना है कि ये ब्यानी जी के लगेंगे। सब आपसे बात कर लेते हैं सर, क्या नाम है आपका? प्रदीप मिगलानी। ये बताइए यहीं रहते हैं मेरा चौक पे? मेरा चौक। ये बताइए मेरा चौक पे तो यहाँ पे पूरी रौनक लगी रहती है, बाजार कैसा चल रहा है? बाजार सुस्त ही है, ठीक चल रहा है। हाँ। ये बताइए अभी तो गंगानगर चुनाव आ चुके हैं, 5 साल के बाद आपके पास आते हैं लोग वोट मांगने और आप तय करते हैं किसको जिताना है, किसको विधायक बनाना है। अभी ये समीकरण बैठ रहा है, आपके समीकरण आपके माहौल से ही लोग सोचेंगे, क्या लग रहा है किसका माहौल चल रहा है, कौन आगे चल रहा है? तो मिक्स ही चल रहा है। कौन कौन, किस किस की बात? चंडक और मिगलानी का भी है, तीनों का ही है। मिगलानी भी आ चुका है इसमें? हाँ जी। ये लग रहा था कि मिगलानी कांग्रेस की टिकट ले जाएंगे? नहीं, लग तो नहीं रहा था, ले गए में, लास्ट में ही हुआ है ये। पहले आगे कौन चल रहा है कि अभी 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 फिलहाल किसका माहौल ज्यादा चल रहा है? अभी तो वैसे तो मिक्स ही चल रहा है, बाकी ब्यानी जी का भी है, ब्यानी जी का माहौल चल रहा है।
बयानी जी का इतना माहौल कैसे बन गया? क्या भाजपा करके बनाया, क्या उनकी छवि करके बनाया? दोनों कारण है, छवि के कारण भी है। एक शिक्षा संस्था चला रहे हैं पूरा और कर रहे हैं कि शिक्षा की फील्ड में काम करते हैं, इसलिए बयानी जी का नाम। हाँ जी, हाँ जी, शिक्षा के कारण। तो आपको क्या लगता है कि कौन विधायक बनना चाहिए? आपको आपके मन में क्या है कि किसको वोट डालना चाहिए? जो अच्छा हो। अच्छा, तो आप बताइए ना, आप लोग आपकी विचारधारा से सुनेंगे, लोग जानेंगे कि अच्छा आपको क्या पता कोई लोग आपके इम्पैक्ट डाल दे आप किसी पे। कौन अच्छा लगता है? दोनों ही अच्छे लगते हैं, मिगलानी भी अच्छा है और बयानी जी भी अच्छे हैं। ज्यादा अच्छा कौन सा लगता है? बताइए ज्यादा अच्छा कौन सा लगता है? बयानी। तो इन्होंने भी बयानी का नाम लिया, पर कंपटीशन देखने को मिल रहा है लोगों में, सारे बोल रहे हैं कि किसका नाम किसका पहचान। बाकी लास्ट एक थैला बचा है, इसके यहाँ पे बात करते हैं, जानते हैं क्या माहौल चल रहा है। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया, बात कर रहे हैं आप, तो आपसे बात कर लेते हैं भैया। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आप? आदर्श बाबू। आदर्श, आदर्श जी कहाँ रहते हैं आप? इंदिरा कॉलोनी। इंदिरा कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, यही रही रेडी लगा रहे हैं आप शुरू से? हाँ जी सर। कब से लगा रहे हैं? हो गए 5 साल करीब। कैसा कल चल रहा है काम? ठीक है, ठीक है। ये बताइए, हम ना पूरे गंगानगर विधानसभा का सर्वे कर रहे हैं और माहौल बताते हैं कि क्या, आपसे जैसे बातचीत की तो आप लोग आपको देखेंगे और वो जानेंगे क्या माहौल चल रहा है। आप तो सब्जी लगा रहे हैं, लोग यहाँ पे ही बातचीत करते होंगे, क्या लग रहा है, क्या माहौल चल रहा है? यहाँ तो सर सब्जी लेने वाले आते हैं, यहाँ कोई चुनाव के बारे में नहीं बात करते। नहीं नहीं सर। पर आपको क्या लग रहा है, आपके व्यक्तिगत क्या लग रहा है, किसका माहौल चल रहा है? क्या पता सर, ये तो चुनाव आने वाले टाइम ही बताएंगे लोग। अब तो 10 दिन रह गए हैं, अब जो माहौल है वही तो है। लोग कहते कुछ है करते कुछ और है सर, ऐसा तो है। ये तो बात है कि गंगानगर विधानसभा में कहेंगे नहीं, पर जो कहेंगे उसका अलग ही होगा सर। वो तो बात है, वोट किसी के मांगने देते किसी को है। टक्कर किसकी चल रही है? चांडक और बयानी की। चांडक और बयानी की चल रही है अभी फिलहाल में। आगे कौन चल रहा है अभी इस वक्त? चांडक। चांडक आगे चल रहा है। इंदिरा कॉलोनी के वोट है चांडक के पास? हाँ हाँ, इंदिरा कॉलोनी के वोट है, मतलब चांडक परिवार को वोट जाएंगे। चांडक परिवार के साथ लोग क्यों, क्या लगता है, अच्छा अच्छी बात क्या लगती है चांडक? क्योंकि अभी तो लोग लगे हुए हैं, उनका कह रहे हैं कि बहुत क्रोधित लोग है, थोड़ा गुस्सा आ जाता है उनको जल्दी। ऐसा कुछ नहीं है, काम उन्होंने ठीक कराए हैं सारे, काम ठीक कराए। एक ऐसे व्यक्ति इन जब जो तीन जाने हैं इनमें सबसे काम 5 साल काम करने वाला व्यक्ति चांडक ही दिख रहा है कि जिसने 5 साल काम किया। नगर परिषद में बढ़िया ही काम कराया उन्होंने, सब सफाई के बारे में भी बढ़िया है सारा कुछ, इसलिए आपको तो दिख रहा होगा सफाई की, तभी तो चांडक के ही लोग ज्यादा वोट है। चांडक का आपका नाम? आने वाले चुनाव में क्या पता वो बदल सकता है वो समीकरण, अभी इस वक्त चांडक आगे चल रहा है। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद सबीर आलम। मोहम्मद सबीर आलम, कहाँ रहते हैं मोहब्बत? अपने भूप कॉलोनी रहते हैं। भूप कॉलोनी में क्या लग रहा है, क्या माहौल चल रहा है गंगानगर विधानसभा का? बस दो ही का टक्कर है अभी। किस किस की? बयानी जी का और वो चांडक जी का। टक्कर तो है टक्कर, अब ऐसा होता है कि दोनों रेस में है, ठीक है, पर रेस में एक बंदा जीतता है, अभी कौन जीत रहा है? दोनों है पर 99% तो लग रहा है कि चांडक जी का लग रहा है। चांडक, आप मुस्लिम समाज से आते हैं, एक बात बताइए मुस्लिम समाज में वोटर्स कितने हैं, आपको जानकारी है इस बात की? नहीं है सबको। समाज किसके साथ ज्यादा लगा हुआ है? समाज आपके तो, परिवार होगा आपके, चाहे चाचे भी होंगे सब होगा, तो किसके साथ लगा हुआ है समाज? ये क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक, मतलब कांग्रेस के साथ। कांग्रेस है, कांग्रेस। और आप चांडक जी के साथ है? जी। तो ये कहा कि चांडक जी और कांग्रेस का भी एक भिड़ंत देखने को मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्होंने बात की हमने सर, आपका वोट है, क्या नाम है आप? साहिल खान। साहिल खान, अभी हमें अभी मोहम्मद जी मिले, साहिल खान जी लगे मिल रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या विधानसभा में क्या माहौल है? माहौल तो बहुत बढ़िया है, चांडक भाई जीतेगा। क्यों चांडक क्यों जिताना चाह रहे हो आप? चांडक जिता रहे हैं, हमारे रात दिन काम आता है अगला, हम मुसलमान हैं, हमारे रमजान के महीने में रोजा खुलवाता है अगला, इसलिए हमारे काम आता है अगला। यानी जी तो हिंदुत्व की बात करते हैं, ओ हिंदू मुसलमान सब एक ही, सब एक ही है वैसे, क्यों बोले तो बयानी हो चाहे चांडक हो, हमारे तो चांडक जी ठीक है भाई। मतलब चांडक जी मुस्लिम समाज में अपना पूरा रख रहे हैं, पूरा सहयोग देते हैं हमारे, कोई भेदभाव नहीं करते ना। अब वो सोचते नहीं कौन बंदू है, हिंदू है कौन मुसलमान है, वो बंदा सब बिरादरियों के नेता है। हाँ सब कच्चे बोले भाई, मुस्लिम समाज ज्यादातर है चांडक परिवार। बिल्कुल, चांडक जी को दूसरा नंबर आता है तो कांग्रेस जाते हैं हमारे। अच्छा, मतलब कि पार्टी के नाम पे वोट आप कांग्रेस को देंगे और वैसे अभी आप चांडक के साथ? चांडक को हम वैसे चांडक को ही देंगे वोट, अभी चांडक को देंगे, हमारा 13 वोट है, 13 वोट सीट है, 13 चांडक को। तो देखिए चांडक परिवार के समर्थन में लोग मिल रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका?
रवा नायक है जी। रवा नायक हाँ जी। क्या काम करते हैं आप? मैं डेंटिंग का काम करता हूँ। पेंटिंग का? हाँ जी। क्या लग रहा है, क्या माहौल चल रहा है गंगानगर विधानसभा? गंगानगर में चल रहा है सर चांडक आएगा। चांडक अभी तो सारे बयानी 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 आ रहे हैं, अब सारे चांडक 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 आ रहे हैं, ऐसा कैसे है? चांडक ऐसे आ रहा है, मान लो कोई जिसका बहन बेटी का कोई शादी हो उसमें साथ खड़ा होता है, ठीक है। मान लो गलियों में साधु कॉलोनी में ये भुजिया फैक्ट्री शॉप रोड है ना, जो ये शहर में आती है, उसके बाद आके गांव में आती है, तो गांव में ना ट्राली नहीं आती कचरे वाली। अच्छा, ये आप कह रहे हैं ये नगर परिषद में आता है, उसके बाद नगर परिषद का एरिया खत्म हो जाता है? खत्म हो जाता है, उसके बाद है ना ट्राली आती है भैसा सफाई वाली, हर हफ्ते हफ्ते में। वो कैसे आती है? चांडक परिवार ने अपने व्यक्तिगत लगाई हुई? हां, चांडक परिवार ने लगाई है, जो धर्मशाले बनवाई थी तो उसमें तो तीन ही भी आ गया, बाकी सारी वो आ गए। ये गाँव में आ रही है ना, तो चांडक गाँव में काम करा रहा है भाई साहब, बढ़िया नाली टेमो टेम करा रहा है, सफाई टेमो टेम करा रहा है। पहले नंबर पे चांडक चल रहा है? हाँ जी, चांडक चल रहा है अभी, बाकी वो तो कुछ चुनाव के बाद है। बहुत अलग बात है कि जीत तक होना है, पर आपका आपका मन चांडक परिवार के साथ? चांडक परिवार है जी। हाँ जी, चांडक परिवार। कितने वोट है आपके घर पे? मेरे घर पे 7-8-9 वोट है जी। सब चांडक को जाएंगे क्या, अलग अलग है? चांडक को जाएंगे सर, सारे चांडक। हाँ जी, तो इनका कहना है कि चांडक परिवार के साथ है, लोग चांडक परिवार के साथ बनाया हुआ है मन। सर क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम इंद्र मोहन है। इंद्र मोहन जी कहाँ रहते हैं आप? जवानगर में रहते हैं जी। सर हम ना सर्वे कर रहे हैं गंगानगर विधानसभा का चुनाव का, क्या लग रहा है, क्या माहौल चल रहा है इस बार? मिक्सअप चल रहा है सर। किस किस के बीच? एक तो चांडक जी हैं और बयानी जी हैं और मिगलानी जी हैं, तीनों के अंदर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। हाँ, आगे कौन चल रहा है, सबसे आगे कौन चल रहा है, क्योंकि रेस में तो एक 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 पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, पर आगे पीछे होते रहते हैं। कोई गांव में कितनी सपोर्ट करता है, कोई लोकल कितनी सपोर्ट करता है। शहर में क्या लग रहा है आपको, आपके आसपास का माहौल क्या लग रहा है? आसपास में बयानी जी के कर रहे हैं। पहले नंबर पे बयानी जी। हाँ जी। और चांडक जी का क्या लग रहा है? चांडक जी सेकंड नंबर पे आ रहे इस टाइम, मतलब टक्कर चांडक जी के साथ है। लग रहा था मिगलानी जी को टिकट मिल जाएगी? उम्मीद तो थी पूरी मिगलानी जी की। हाँ। ये बताइए मिगलानी जी को अरोड़ा समाज के वोट्स आ जाएंगे, जो इतना मतलब अरोड़ा महापंचायत भी हुई थी, सब कह रहे थे कि अरोड़ा एक होके वोट डालेंगे, क्या ये प्रभाव दिखेगा चुनाव में? अरोड़ा वृद्धि करेगी, सपोर्ट तो करेगी करेगी, यहाँ मतलब एक गेम चेंजर हो सकता है। हो सकता है, ये तो भाई वोट बताएंगे, रिजल्ट तो वोट ही बताएगा। आपने सबका हाँ बोल दिया। चांडक जी भी अच्छा चल रहे हैं, बयानी जी आगे, आपने पर बयानी जी का नाम रोड़ा ही हूँ मैं भी यार, मैं तो क्या करूँ, अब देखते हैं किसकी जिससे ज्यादा सपोर्ट होगी। आप क्या सोच के वोट डालेंगे, कि समाज का देख के डालेंगे क्या, विकास का, क्या क्या देख के डालेंगे? मेन जो अच्छा उम्मीदवार उसको देंगे हम तो। कौन लग रहा अच्छा उम्मीदवार? ऊपर तो मैं बता नहीं सकता किसी को करूँ, तो पहले पर बयानी पहले पे चल रहा है इस टाइम बयानी भी चल रहा है। तो बीजेपी के बयानी जी का समर्थन देखने को मिला, अभी चांडक जी का समर्थन देखने को मिला। सर आपसे बात कर लेते हैं, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बल्लू नागर। बल्लू नागर जी कहाँ रहते हैं बल्लू जी? यही एसएसबी रोड। चुनावी माहौल की बात करें, क्या चल रहा है, किसका मुकाबला, किन किन का मुकाबला? डाणी का एरिया है जो सारा चांडक जी के पास है। चांडक जी के पास इन्होंने 3 साल हो गए, नाली काटने वाला, सफाई करने वाला सब लगा रखे हैं। ये कह रहे नगर परिषद के एरिया यहाँ से खत्म हो जाता है, वहाँ पे ग्रामीण एरियो में अपने व्यक्तिगत पैसा लगा चालू हो जाता है। चांडक लगा रहे हैं पैसे, आपकी जेब से लगा रहे हैं, 2 साल हो गए बंदे लगे हुए। अच्छा, उसके आदमी सफाई कर रहे है, ना कोई बयानी वाला इधर आता है, ना कोई गोड़ का आदमी इधर आया, कोई भी नहीं आता इधर। चांडक जी अकेले फिरते है, आजू के आदमी फिर यहाँ। तो वोट भी आप ये कह रहे हैं चांडक जी को देंगे? जी, हमारे 1500, 1600, 2000 वोट है, सारे चांडक के पास ही जाएंगे। माहौल मतलब चांडक का बन गया, चांडक का है। उन्होंने वोट लेने कोई वोट आते हैं, जब आते हैं ये ऐसे ही घूमते हैं हमारे पास, जब चुनाव होते हैं तब आ जाते हैं। हाँ, जब चुनाव होते हैं जब आते हैं, ना जी कोई बयानी आता है यहाँ पर, ना कोई घोड़ आया। चांडक जी आते हैं, अजय भाई जी आते हैं, उनके लड़के घूम रहे हैं यहाँ पर। मतलब उन्होंने 5 साल काम करवाया, उन्होंने बगैर जीते ही काम करवा रखा है पक्का। आपका विश्वास है जीतने के बाद तो और काम करवाएं? हाँ जी, जीतने के बाद और भी हो सकता है। टीनी वाला एरिया आप कह रहे हैं चांडक परिवार के साथ? हाँ जी, चांडक परिवार के साथ है, टीनी और दोई चांडक जी के पास है। कई मर्जी बुलवा लो, कोई 1 रुपया नहीं लेगा, कोई उसका कोई पैसे वाला बंदा नहीं, दिल से लगे हुए हैं सब, दिल से लगे हुए हैं। कोई 200 रुपए दिहाड़ी वाला बंदा नहीं है उसके पास, भाई को 200 रुपए ले भाई मेरे साथ चलो, कोई नहीं है, आपके दिल से लगे हुए हैं गली वाले मोहल्ले वाले। चांडक जी का समर्थन देखने को मिला। ये देखिए, सबसे मजेदार बात ये होती है कि जब बाजार में घूमते हैं तो जो ये माहौल है, ये माहौल ही आपको बता सकता है कि क्या आगे जाके बन रहा है माहौल, क्योंकि इसी माहौल से, एक छोटे माहौल से ही बड़ा माहौल बनता है। तो आप देखिए
कि चांडक जी के समर्थन में हमें लोग मिले, बयानी जी के समर्थन में मिले, कांग्रेस के समर्थन में, मिगलानी जी के समर्थन में भी हमें लोग मिले। तो ये जो विचारधाराएं हैं, ये विचारधाराएं अब लोगों की बन रही है विचारधारा, लोग सोच समझकर अब वोट डालने लग गए हैं। इनका कहना है कि चांडक परिवार ने नगर परिषद के जो जहाँ पे खत्म हो जाता है वहां से आगे अपने व्यक्तिगत पैसा लगाकर अपना काम करवाया, उसके करके इनका कहना है कि तीन ही को, तीन ही के वहां पे वोट जाएंगे। तो आज मैं खड़ा था मेरा चौक के जो सब्जी मंडी है यहाँ पे, हम ऐसे ही सर्वे करते रहेंगे लगातार, आपको शहरी सर्वे आपको दिखाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि कौन आगे चल रहा है। फिलहाल अभी आपने रिपोर्ट्स में देखा, आप अपने अनुमान लगा सकते हैं कि किसकी सरकार बन रही है, कौन विधायक बन रहा है। तो आप अपनी प्रतिक्रियाएं भी कमेंट बॉक्स में दीजिए, आपकी प्रतिक्रियाएं लोग देखेंगे, अपने आपके विचार लोग कमेंट बॉक्स में देखेंगे, उसी विचार से अपना विचार बनाएंगे। तो अभी हम विदा लेते हैं, ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए द न्यूज़ 13 चैनल के साथ। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप फॉलो कीजिए इस पेज को और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए द न्यूज़ 13 के साथ।